चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्तन को स्वागतम। अच्छा पिलामाने, आज हमें आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइचे। हमें माने पढ़ुचे युक्त दुई द्वितीय वर्ष एमएल संस्कृत पाठ्यक्रम रघुवंशम महाकाव्य प्रथम सर्ग अंतर्गत पाठ्यक्रम श्लोकावली। ताधरु आम गत अध्याय श्लोक एक और दुई र आलोचना करें। आज आम श्लोक तीन और चार आलोचना करवा। श्लोक एक रे आम देखी मंगलाचरण श्लोक जो थे वागर्थ इव संप्रत वागर्थ पति प्रत्यय जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर कालिदास काव्यर निर्विघ्न परिसमाप्ति निमित्त निज काव्य निज द्वारा उल्लेखित होता शब्दयुक्त गुड़ शब्द गुड़िकर उपयुक्त अर्थ निर्धारण निमित्त अर्थ संरचना निमित्त जगत पितामाता पार्वती परमेश्वर निकटे वंदना करिथिले बा गोहरी करिथिले। एवं परवर्ती श्लोक रे आमे पढ़ी कुआसूर्य प्रभव वंश कुचल्प विषयमति तीतिर्षु दुस्तरम उड़ु पेनास्मी सागरम जो थे कालिदास निजर विनम्रता प्रकाश करने सूर्य सम्भूत महान वंश सूर्य वंश के अर्थात महापराक्रमी महाप्रतापी गुणानुरूपी सूर्य वंश के वंश विषय किंचित वर्णना कर चेष्टा कर स्वल्प बुद्धि संपन्न मुंठी बा मोर स्वल्प शब्द ज्ञान युक्त बुद्धि केउठी सत्य जपरी गोटे दुर्लंघनीय व अलंघनीय समुद्र को सामान्य काठ पटुआ बा बाउंश पटाड़ी बा भेड़ा के द्वारा पारी हेबा सदृश मु ए कार्य को करूछि कहिथिले। परवर्ती श्लोक रे अर्थात आज पाठ्यक्रम अंतर्गत तृतीय श्लोक रे मध्य पुनर्बार निजर से विनम्रता प्रदर्शन करियबु जे कहउछन्ति मंदाह कविजस प्रार्थी गमिष्याम युपहास्यतम प्रांशु लभे फले लोहत उत्बाहुरीव वामनाः। एठाने आम प्रथम संधि विच्छेद कर देखने कह गमिष्यामि उपहास्यतम गमिष्यामि युक्त उपहास्यतम लोभत उद्वाहुर लोभत युक्त उद्वाहु युक्त श्लोकर अन्वय करवा अहम मंदाह बा मंदाह तथापि कविजस प्रार्थी अहम प्रांशुलभे फले लोभ उत्बाहु बामन इव उपहास्यतां गमिष्यामि अर्थात निजर एभली कार्यक्रम करिवाकु गला बळे निजस्व विनम्रता प्रकाश करिवाकु जाई निजस्व चेष्टा एक अपचेष्टा सदृश अटे बोली अनुभव पूर्वक से कहुचंती मंदः कविजस प्रार्थी अहम मंद सदस्य अर्थ मूर्ख अर्थात मु मूर्ख भली काम करूची तेणुकर मु मूर्ख होइथिले मध्य तथापि कविजस प्रार्थी अहम कवे जस कवीनाम जस षष्ठी तत्पुरुष तत् प्रार्थयते इति वा प्रार्थयति इति वा तत् प्रार्थयते च वा प्रार्थयति च उपपद तत्पुरुष सीधा सड़क भाव यदि कहवा तेले कविजस प्रार्थयते इति वा कविजस प्रार्थयति प्रार्थयते इति उपपद तत्पुरुष समास एठारे कविजस प्रार्थी सकारण व्यक्ति कर्तरी प्रथम कारण अन्वय अनुसार तापरे ही उहे रहिछि कर्तरी प्रथम अहम तेले मूर्ख होइथिबे मध्य कविजस पाइबार आग्रही होइ पड़िथिबा मु प्रांशुलभे फले लोभ उद्बाहु वामनैव प्रांशु न लभ्य प्रांशु लभ्य समास तृतीय तत्पुरुष समास कारण प्रांशु शब्द एठारे उन्नत बा डेंगा द्वितीय जक अर्थ को नहीं कि हमें ये श्लोक रो अर्थ निष्पादन करिबा तले प्रांशु न लभ्य लभ धातु रे ज प्रत्यय बा जत प्रत्यय लभ्य लभ्य माने पाइबा को योग्य पाइबा पाई उचित
तले प्रांशु न लभ्य तृतीय तत्पुरुषकमा तस्मिन् प्रांशु लभ्ये ए शब्द फलम फलेर विशेषण शब्द होइथिबारु अधिकरण सप्तमी फलम सरकार मध्य ठारे फले अधिकरण सप्तमी उन्नत पटेंगा लोक द्वारा प्राप्त फल बे लोभत देवणी पूर्व श्लोक रे थिला मोहत मोह भय कमा तस्मात मोहत हेतु पंचमी ठीक एक श्लोक रे सही परि रही छी लोभ भय लोभ कमा तस्मात हेतु पंचमी लोभ वसत उद्बाहु बाम नैव उद्बाहु उत्थितः बहुतोलितः बाहु जेन सह उद्बाहु बहुरी समास तले हस्त ऊपर को प्रसारण करिथिबा बामन इव एठारे मध्य कालिदास उपमा अलंकार माध्यम ले तुलना देउचंती बामन अर्थात गेडा लोक सदृश इव सदृश बा परि बामन इव उपहास्यतम गमिष्यामि उप उपसर्ग हस्त धातु जप प्रत्यय उपहास्य तापरे तल प्रत्यय लगिव उपहास्यता तापरे तल प्रत्यय सहित टक प्रत्यय लगिव उपहास्यता जहाँ कमे अन्य प्रकारे व्युत्पत्ति कही परिवा उपहास्यस्य भाव उपहास्यता कमा तम अर्थात लता शब्द परि लता द्वितीय एक वचन जे भली लतम से भली उपहास्यतम कर्मणि द्वितीय उपहास्यता को अर्थात उपहास्यता पात्रता को व उपहसनीयत्व को गमिष्यामि गम धातु लृट् लकार रे उत्तम पुरुष एक वचन अर्थात मी प्रत्यय गमिष्यामि जीवी अर्थात ठरे जहा प्राप्स्यामि अर्थक प्राप्त हेबि बा पाइबि आम जाने कवि तुंड मेणाम कवि को जो शब्द रुचि से शब्द उल्लेख कर गमिष्यामि शब्द उल्लेख कर कालिदास किंतु अर्थ निष्पादन हो प्राप्स्यामि तले एई भली भाबरे कालिदास एठारे कहउचंती मु मूर्ख होइथिले मध्यम कवि यश पाइबार आग्रही होई पड़िथिबा मु उन्नत बा डेंगा लोक द्वारा प्राप्त फल रे लोभवशत हस्त ऊपर को प्रसारण करिथिबा बामन बा गेडा लोक सदृश उपहास्यता को प्राप्त हेबी प्रकारांतरे से एठी रघुवंश विषयक रचना को उन्नत बा डेंगा लोक द्वारा प्राप्त फल सहित तुलना कला बेले स्वल्प बुद्धि संपन्न निज को बामन सदृश बोली उल्लेख करुछंती आमे वर्तमान एहर अर्थ को देखिबा कवि जस प्रार्थी कहिचंती कवि जस पाइबार आग्रही होई पड़िथिबा मु ए प्रसंग रे आमे गोटे छोटिया उदाहरण नेबा जेतेबेले आमे जीवन रे प्रथम थर पई विद्यालय रे पढ़ला बेले बा महाविद्यालय रे पढ़ला बेले आमे कोनोसी एक दिन अचानक भाव रे श्रेणी कक्ष रे सूचना पाउ श्रेणी आचार्य जन को द्वारा अर्थात क्लास टीचर को द्वारा जे पिला माने तुम विद्यालय रो आगामी दिन रे पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित हो को जाउ छी ए वर्ष रो वार्षिक पुरस्कार वितरण उत्सव ता तो किछि समय अछि एबे तुम मानकु आज थरो एक मास समय दिया जाउ छी जहा ओरली कह जेबो ता मध्ये नोटिस माध्यम रे प्रधान आचार्य जन को द्वारा जणाई दिया जाय गोटे मास समय भितरे तुम माने स्वरचित लेखा किछि किछि आणि देव तह प्रबंध हि परे गल्प हि परे पद्य हि परे गोलक धंदा हि परे बा हास्य कथा हि परे बा किछि संग्रह दिन सब हि परे जे भली साधारण ज्ञान इत्यादि इत्यादि एवं तह को तुमे श्रेणी कक्ष र शिक्षक मानक जरिया रे सबमिट करिव अर्थात दे देव एवं प्रथमे तादरु जो हमर शिक्षा देश अर्थात आमर शिक्षक मानक मध्यरु जो कमिटी फॉर्मेशन हेछि ओडिया संस्कृत इंग्रजी हिंदी चारोटी विभागीकरण धर करा जायछि मुखपत्र पई बा मैगजीन पई से माने से कमिटी को से लेखा गुडी को दे दिया जीवो तापर तादरु जो गुडी को उपयोगी हेबो प्रकाशित हेबा पई जदि तादरे सामान्य त्रुटि भी च्युति थिबो ताको से माने सुधारि देबे एवं तापरे योग्य विवेचित लेखा गुड़िक प्रकाशित हेबो वार्षिक उत्सव रे सेही मुखपत्र उन्मोचन हेबो मुख्य अतिथि द्वारा एवं ताहा तुम माने बा तुम मानक गार्डियन मानक समस्त को गोटे गोटे कॉपी दिया जीवो एवं निकटस्थ अन्य अनुष्ठान इत्यादि को मध्य ताहा
दिजिवेलू पिला पाठ पढ़ा सहित स्वप्न देखा आरंभ है अर्थात को प्रकार स्वप्न ना मु गोटे कवि हेबी बा मु किछि लेखी गोटे लेखक बा कवि हेबी तेंगुरी पाठ परवर्ती क्लास गुड़ी करे पिला पाठ पढ़ा सहित बेले बेले भावुक हो जाए एवं से दिन स्कूल छुट्टी होला पर जब घर को फेरिबे के निजर खेल के निजर सांगसाथी सहित गप एगुड़ी को छाड़ी निज पढ़ा टेबुल बस एक निर्जन स्थान को जाए रफ खाता एवं पेंसिल पर पेन धरी लिखिबार आरंभ चेष्टा करने को आग्रह प्रकाश करुथिबे कारण सेतबेले तांकर स्वप्न देखिबा आरंभ हेगला कवि हेबार स्वप्न अर्थात मु गोटे किछि लेखिबी आ जदि ता ठीक भाव बिवेचित हो जाए प्रकाशित ताहले मो ना सह ओ विद्यालय मैगजीन महाविद्यालय मैगजीन बाहरी जितेबले शिक्षक भी सूचना देते योग्य बिवेचित लेखा गुड़िक जितेबले हो गोटे गोटे फटो भी मागिबु से मैगजीन से फटो भी रहिबो तेंगु सेतेबले मोर सहपाठी सहपाठिनी मोर अनुज अनुज एवं अग्रज अग्रज मैंने समस्ते मोर प्रशंसा करेंगे जदि मो लेखा समस्त को भल लगे घर पेरेन्ट्स गार्डियन मैंने भी द्वारा जदि आदृत हुए समस्ते भल लगे समस्ते मत प्रशंसा करेंगे मोर प्रत्यक्ष परोक्षर तेणुक कविजश पाइबार आग्रही हो पड़ी मुठार कालिदास कहते तेणुक कविजश पाइबार आग्रही समस्त हो पड़ती तेणुक जो उदाहरण निला से उदाहरण मध्यम कालिदास निजक मूर्ख स्वल्प बुद्धि संपन्न भावुले कविजश पाइबार आग्रही हो पड़ते साधारण भाव में जेकोसी व्यक्ति कविजश पाइबार आग्रही हो पड़े एवं तापर कह जाइछि प्रांशुलक हे फळे डेंगा लोक द्वारा प्राप्त फळरे तले आमे जदि गछर फळ कथा कहिबा तले धर पिजुळी इत्यादि फळ को तोळिया पई कि बरपळी इत्यादि कोळी को तोळिया पई स्कूल रो पिला माने गला बेळे जदि कोनोसी काहा बाडा पाखरे हेतिबा गछ रे फळ थिबा फळ उपरे दृष्टि निक्षेप करिथांती खेल छुट्टी तार शिकार करोजना करते प्राय विद्यालय पाखे साधारण देखा जाए छोट पाखे खेल छुट्टी गला बेले स्कूल गला बेले कथी रामु सामु खेल छुट्टी खाइबा छुट्टी घर को आसबे घरे माँ पेट कौन हूँ बेस खाइबी अल्प खाइबी कही चली आस बाड़ पाखे देखी थे पिजुड़ी गचरे पिजुड़ी बाजी तोलिबे तेणुकर जिते शीघ्र चली आसुवे तोलार चेष्टा करुवे जदि पिजुड़ी डाल अग्रभाग को धरी पिजुड़ी को अक्षत अवस्था तोलार प्रयास करसफल होते मन में चिंता आसमें ढेला कि बाड़ी उठे गोटे फोपाड़ू तिजुड़ी तले पड़जिस्कार क्षत भी आसी पे फलटे धोई खावा को भी आग्रह से आसबे कि डाटी धोई धरी अक्षत अवस्था तोली नहीं पार्बे निश्चित भाव जब वर्षा दिन होता है तो वर्षा पाने धोई जाए बोधे आईये पड़बन आराम खाई तार स्वाद नहीं जापर यही राम सामुटे जिते बड़े चेष्टा करुवे से गेड़ा होते से डाल अग्रभाग को धरी पिजुड़ी तोली पार नए अन्य पे आराम घर खाई फेर थे से देखुए आम सामु डेउंट फल तोली पार नापर से नर्माली विद्यालय को चली जाए समय अतिक्रांत होगा देख जो राम सामु फल न पाई विद्यालय आसी पहुंची जाए से देखी आसी बाटे अन्य सांग मैंने जो पचार तुम्हें से बाबू का बाड़ पाखे डेक पिजुड़ी तोल आमे खाइव आदि आनी आमको दि सेतेबेले मोहर हृदय कांतार रे पड़ला भाया लगुव राम सामू को कारण से माने गेड़ा पिला थिबा दृष्टि से पिजुड़ी तोड़ी पार ना खाई ना बर घर जो अल्प माँ का आगे मिथ्या कही अल्प खाई बर झड़े अर्थात से खाद्य हजम हो जाए चलो पुनर्व भोकिला अवस्था अनुभूत हो तेणुक से अन्य पिला मानन कर द्वारा जो भाव में राम सामू उपहास्यतार पात्र होते ठीक से भाव कालिदास कहते प्रांशु लभे फले डेगा लोक द्वारा प्राप्त फल विषय चर्चा करवा कहुच्छ नरतम दुर्लभम लोके
विद्या तत्र सुदुर्लभ कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभ ए मर्त्यरे मनुष्य जन्म पाइबा कष्ट विभिन्न जन्मरे जन्म ग्रहण करी मनुष्य मनुष्य जन्म प्राप्त होइते जुत पई कहै छै नरतम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ जो माने मनुष्य जन्म पांति समस्त जे साक्षर एवं विद्या अर्जन करबा को सक्षमता युक्त होइ जान्ति तानु परवर्ती समय रे पुनी कहौ छै कवित्वं दुर्लभं तत्र जेबनी मैगजीन पई लिखिया को कह गला समस्त जे लिखि परिबे तानु की शेष पंथ अनुसरण करी परंति पुरुणा कोटी मैगजीन रु किछि आनी की अपचेष्टा को बा ताको कॉपी करी देखैबा ताहा भी होय त ठीक प्रोसेस नुहे तंगरी जो माने भी लिखिबे समस्तक लेखा भितरु शिक्षक समाज द्वारा सब किछि योग्य विवेचित हेबो नै एवं जते लेखा प्रकाशित हेबो सबुजाक लेखा जे आदर पाइबो तान तंगरी शेषरे कहौछि कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभ कवित्व बीज रूपा शक्ति जोटा कवाय छि कबीर भी कबीर मनी कबीर मनीषी परिभु स्वयं हो उपनिषदीय वाणी अनुसार जो थरे से भली किछि मादकता थिबो स्रष्टा र सृष्टि र से भली किछि काल्पनिकता योग्यता थिबो ताही पाठक समाज द्वारा निश्चित भाबरे आदृत होइ परिबो कारण जहां पाठक समाज र हृदय आह्लादक होइ परिबो तेंगरे टी डेंगा लोक द्वारा प्राप्त फल रे एक जगह मध्य कहे गोटे उत्कृष्ट कवि हेनोटी जिनस दरकार व्युत्पत्ति पांडित्य अभ्यास व्युत्पत्ति क्रिएशन इमाजिनेशन पांडित्य हे कल्चर केयन से सारी लिखा जावा पूर्व एवं तृतीय जिनस अभ्यास एका दिन के कहीं मूर्ख रू पंडित हो पारे ना जहाँ सौभाग्य थाए हुए तो सी पारे जो कालिदास होते विस्मय बालक बालिका मानक जो ज्ञान प्राप्त हो समस्त पाखे के संभव नुह तेंकरी ओन क्रिएशन बा इमाजिनेशन समस्त पाखे हुए तो संभव ता जेहेतु भगवत सत्ता समस्त भितर विद्यमान आम चेष्टा कले आम पाखे क्रिएशन निश्चित आसो जेकोसी प्रकार क्रिएशन ही निश्चित अद्रुत हो पार सृष्टि जन्म हो पारे आसपत्ति पर पांडित्य किसी लिखा को जवा पूर्व अनेक किसी अध्ययन करवाक पड़े यह हूँ पांडित्य शब्द ज्ञान निहती भाव में दरकार व्याकरण ज्ञान निहती भाव में दरकार एवं शेष अभ्यास एका दिन कि उच्चकोटर कवि हो पारे लेखु लेखु आहुरी सुंदर सुंदर लेखा लेखा मनीष योग्यता प्राप्त हुए सक्षम हुए तेणुकि कवित्व दृष्टि उन्नत व डेगा लोक कथा कालिदास कहते डेगा लोक द्वारा प्राप्त फल अर्थात कवित्व बीज रूप शक्तिमंत कवि द्वारा जो फल पाइबा संभव हुए से भाई फल तो पाइबा मोर एतटा योग्यता आसी ना तेणुक डेगा लोक द्वारा प्राप्त फल लोभवशत अर्थात से भाई फल पाइबार आग्रही पड़ी आग्रही पड़ी हस्त उपर को प्रसारण कर लेखनी चालना कर चेष्टा करूथिबा बाम नैव अर्थात स्वल्प सत्य ज्ञान मो भली बा मु उपहास्यतम गविष्यामि अर्थात अन्य पाठक बा अन्य कवि मानंक द्वारा उपहास्यतर पात्र हेइ जाइ पारे ए भली संभावना व्यक्त करूछन्ति एवं प्रकारांतर निजर विनम्रता प्रकाश करूछन्ति श्लोक रे कालिदास जेबे आमे परवर्ती श्लोक रे आलोचना करिबा अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सुरेभि मणुवज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवास्ति मे गति प्रथमे संधि विच्छेद किनवा कृतवाक द्वारे कृतवाक युक्त द्वारे वंशेस्मिन वंशे युक्त अस्मिन वज्र तपरे सूत्र सेवास्ति सूत्रस्य युक्त एव युक्त अस्ति तपरे श्लोक अन्वय करिबा अथवा अथवा अर्थात अन्य पक्ष अथवा कृतवाक द्वारे अस्मिन् वंशे कृतवाक द्वारे अस्मिन् वंशे अस्मिन् आगो पसिबो अथवा कृतवाक द्वारे अस्मिन् वंशे पूर्व सुरीभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णैव सूत्रस्य गतिः मे गतिः अस्ति अर्थात अन्य पक्ष जदि पूर्व दुईटी श्लोक निजक अधम बोली मानि कालिदास विनम्रता प्रदर्शन करने तथा भी हार मानि ना कारण पछघुंचा नहीं वीर जातके नमरे से केवे पराण आतंके
नीति श्लोक मानी जाने उद्योगी पुरुष सिंह लक्ष्मी उद्यम बड़े सर्व सिद्धि नहीं सुप्त सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा इत्यादय। ठीक से ही कालिदास पूर्व श्लोक विनम्रता प्रकाश करहस संचार कर जेहेतु मो भीतर भगवत सत्ता विद्यमान एवं पूर्व पंडित मान जहां आलोचना करूँ पूर्व श्लोक पांडित्य पूर्व श्लोक कवि मान ग्रंथ गुड़ी मु किसी परिमाण में अध्ययन करी तेणुकरी मुटा असफल होबी ना निश्चित किसी मात्र सफलता निश्चय पाइबी तेणुकरी मोर चेष्टा मत अब्याहत रखा पड़ो कि भाव से पूर्वश्री मान द्वारा लेखा जा ग्रंथर पांडित्य पूर्वक निजे किसी सफलता पाइबार चेष्टा संभव है कहते कहते अन्य पक्ष कृतवाग द्वारे अस्मिन वंशे बाक एव द्वारं बाग द्वारं रूपक कर्मधारय समास कृतं बाग द्वारं कृतं बाग द्वारं जस्य असु कृतवाग द्वार कमां तस्मिन कृतवाग द्वारे बहुव्रीहि समास। एठारे कृतवाग द्वारे कहार विशेषण न वंशे शब्द वंशे एठारे मुख्य शब्द अधिकरण सप्तमी अस्मिन मध्य विशेषण शब्द सर्वाधि सूचक विशेषण शब्द ता मध्य अधिकरण सप्तमी तले कृतवाग द्वारे अस्मिन वंशे वचन रूपी द्वार उन्मुक्त होइथिवा केम प्रकार वचन ना भाषागत लेखागत द्वार उन्मुक्त होइथिवा ई वंश रे कहा तर न पूर्वे सुरीभिहि लेखाइछि पूर्व सुरीभिहि पूर्वे सुरयः पूर्व सुरयः कमान्तैहि पूर्व पूर्व पूर्वे सर्व शब्द परिहिचि एवं सूरी सूरी सुरयः मुनि शब्द परिहिचि तले पूर्वे सुरयः पूर्व सुरयः कर्मधारय समास कमातैहि तमर कहचि पूर्व सुरीभिः सकरण व्यक्ति अनुत्ते कर्तरि तृतीय तले पूर्व सुरीभिः कृतपाक द्वारे अश्रेण वंशे तले एभलि भावे कालिदास कहिले अथवा अन्य पक्षरे पूर्व सुरीभिः कृतपाक द्वारे अस्मिन् वंशे पूर्व पंडित मानंक द्वारा ए वंश विषय जहाँ पूर्व रचना गुड़ी कही पांडित्य मो पाखे अच्छी अर्थात जहाँ को पठन कर सारी अर्थात से स्मरण करने पूर्व सूरी वाल्मीकि इत्यादि द्वारा जेहेतु सूर्यवंशीय ग्रंथ महान ग्रंथ रामायण रचना सरी तेणु से रामायण विद्या बा रामायण लिखा जा विषय वस्तु जना अच्छी पढ़ी किसी अध्ययन करमिक इत्यादि पूर्व पंडित मान द्वारा ए वंश विषय रचना पाई जो भाषा ज्ञान दरकार से पढ़ी भाषा ज्ञान उन्मुक्त हो जाशे वंश विषय वज्र समुत्कीर्ण मण सूत्र वज्रेण समुत्कीर्ण वज्र समुत्कीर्ण तृतीय तत्पुरुष वज्र है धातु निर्मित अस्त्र समुत्कीर्ण सम उपसर्ग उत उपसर्ग कीर धातु प्रत्यय क्रू धातु कीर कहले दीर्घ क्रू कहले दुईटा रूपल हम क्रूता समुत्कीर्ण मान खोदित खोला जीवा चले वज्रीण समुत्कीर्ण तृतीय तत्पुरुष कमा तस्में चले वज्र समुत्कीर्ण मणु मणि शब्द सप्तमी अच्छी मणि मणु अधिकरण सप्तमी तार विशेषण शब्द दृष्टि वज्र समुत्कीर्ण मध्य अधिकरण सप्तमी तले धातु निर्मित छुंचित द्वारा खोदित हुई मणि रे बा सुना मणि रे सूत्रस्य गति व मे गति अस्ति सूत्रस्य एवं मे दुई जक संबंध षष्ठी तथा कृत जगे षष्ठी मध्ये हे परिबो सूत्रस्य गति व मे गति तले गति शब्द ठरे कर्तरी प्रथम तले गोटे सूता टीर गति जे बडी निर्वाधरे बा अनायासरे बा निर्विघ्नरे संभव हुए तले मोर गति मध्ये सेई बडी अनायासरे बा निर्विघ्नरे बा स्वल्प आयास पूर्वक संभव होई परिबो तले से प्रकार अंतरे कहे को चाहिए धातु निमित्त छंचित गोटे धातु ने ही खोदन करा जाए गात्र करा जाए थे जहाँ पड़े ता मधेरे सूता से प्लास्टिक रहो बा कॉटन रहो निर्विघ्न प्रवेश करि परे जहाँ पड़े सुनार बा मणिर हार को माँ भी मान मुक्ता हार सदृश तंकर गलार माला करी पिंधि पारंती फूल भितर कणा थे छुंची आम पूरे माल रूप धारण करदरवैज आमको छुंची खोदन करम से संभव हो छुंची द्वारा खोदन करुंची धातु निमित्त कि धातु निमित्त मणि सुनारे को माल रूप देवाक गोटे धातु निमित्त छुंची द्वारा ही खोदन करवश्यकता पड़े तेरे
कालिदास कहते जीवन भाव में बज्र समुत्कीर्ण मणु शूद्र से गति मे गति ही अस्थि अर्थात धातु निमित्त छुंची द्वारा खोदित होता सुना मणि 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 मध्य सूतार गति निर्विघ्न समाहित हो पारे संभव हो पारे ठीक से भाई पूर्व पंडित मान द्वारा अर्थात वाल्मीकि इत्यादि पूर्व पंडित मान द्वारा ए वंश विषय रचना पूर्व हो सारी दृष्टि एवं से संपर्क ज्ञान मो पाखे किंचित दृष्टि तत्सहित मोर निजस्व शैली को निजस्व बुद्धि को प्रयोग पूर्वक मुझे रघुवंश महाकाव्य को वर्णना करने जातेटा असफल होबी ना निश्चित किंचित मात्र सफल होबी तेणु मुश्चय कर प्रयास करी ये आज आलोचना सांग होगा परवर्ती आलोचना परवर्ती श्लोक आलोचना तुम मान भल लगुले निश्चित ये चैनल को तुमने लाइक और सब्सक्राइब करी उत्साहित करिवा धन्यवाद।